गुड मॉर्निंग क्लास हव आई यू ऑल आई होप ऑल आर गुड आई एम वसीम योर यूर असिस्टेंट टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल सो स्टूडेंट्स एज यू नो आई हैव स्टार्टेड अ चैप्टर चैप्टर फोर इन इकोनॉमिक्स एंड आई हैव एक्सप्लेन अबाउट दिस चैप्टर मोर सो बच्चों जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस चाइनीज टॉयज इन इंडिया ओके इस टॉइज़ के बारे में बताता है कि इंडिया में जब चाइनीज़ टॉयज़ आ जाते हैं तो हमारे पास कस्टमर को चॉइस मिल जाती है दे कैन बाई मैनी अदर गुड्स ऑल्सो ओके एंड इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं दे कैन नॉट इंक्रीज द प्राइस और प्राइस भी ज़्यादा नहीं, नहीं बढ़ा सकते ओके okay? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन हैं हम कोई सा भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं तो हमने ऑलरेडी ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था सो आई होप एवरीथिंग यू गॉट इट तो इसमें हम यहाँ पर ये यह भी देखेंगे कि, कि किस तरीके से आज हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बहुत सारी वेराइटीज़ भी हैं आज हमारे पास ये देखा जाता है वी कैन सी इन आ कंट्री देर आर मेरी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विच वर प्रोड्यूस इन एनी अदर कंट्री फॉरन कंट्रीज आर यू गेटिंग इट सो आगे हम यहाँ देखते हैं कि इसमें और क्या बताया गया था इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्राम वन मार्केट टू अनदर तो हम यहाँ पे ये यह भी देख सकते हैं कि अगर बिजनेस होता है स्टार्ट होता है ओपनिंग होती है तो गुड्स ट्रेवल फ्राम वन मार्केट टू अनदर इसका मतलब क्या बताया गया कि हमने यहाँ पे ये देखा कि एक मार्केट से दूसरे मार्केट में भी आ जाती है चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट प्राइजेस प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेन टू तो बिकम इक्वल फिर क्या होता है कि अब जो चॉइस ऑफ गुड्स अब आपके पास क्या है पहले एक ही की चॉइस थी जो प्रोड्यूसर आपको बना रहे थे आपको वही परचेज़ करना पड़ता है लेकिन आज क्या है आज हमारे पास बहुत सारी चॉइस है हम कोई से भी गुड्स परचेज कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग राइट यहाँ पे हम देखेंगे कि और क्या होता है कि टू मार्केट्स हो गई अब हमारे पास ठीक है ना एक चाइनीस की हो गई एक इंडिया की हो गई और अब हमारे पास ऑप्शंस भी आगे और प्राइस भी क्या होते हैं फिर वो इक्वल होना शुरू हो जाते हैं राइट यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर हो गया एंड प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड थाउजेंड ऑफ माइल्स तो हमने यहाँ देखा कि अब दोनों प्रोड्यूसर मतलब टू प्रोड्यूसर इन अ सेम मार्केट एक ही मार्केट के अंदर हैं हालांकि वो हजारों मील दूर हैं लेकिन क्या आज वो अभी भी एक दूसरे को कंपटीशन दे रहा है क्यों क्योंकि उनका मटेरियल हमारी कंट्री के अंदर आकर के वो सेल हो रहा है Is it clear the foreign trade does result in connecting the markets or integration